और गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग उठ गए हैं सुबह सुबह, पता नहीं 6 बजे का टाइम हो रहा है, 6-7 बजे का टाइम हो रहा है। और मुँह अच्छा कोई भी नहीं दे, बस जो ये सामने रोला डाल दिया खिड़की खोल के कि चेक करो खूबसूरती, जो ये जी पसंद आई है फिर खूबसूरती। दिस इज़ हेवन। तो ये भाई हैं, इनके घर हम लोगों ने स्टे किया है। सर शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और ये चेक करो ना बाबा जी, ये वाकई में हेवन है। ये क्या चीज़ है, मैं वो लगी हुई ये जो सामने सेब। लगी ये सेब लगे हुए, क्या बात है। ओ यार अभी ना गोप्रो जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा दिखाने में, सामने लाइक वो चेक पोस्टें वगैरह हैं सामने, और ये पाकिस्तानी चेक पोस्ट हैं, इसके दूसरी तरफ परले साइड इंडिया है, मतलब कि वही थूक फेंको तो इंडिया जाके गिरेगा। यहाँ से नज़ारे देखो, सामने जो है यहाँ पर नदी सी दरे, ये दरे झेलम टाइप ही है, उसी की नदी है। तो दरे झेलम की जो बेसिकली गार्डन ऑफ नदी टाइप, वो आगे जाके उसी में जाके गिरेगी, वो आ रही है इंडिया से चल रही है। और ये सारा सीन है, तो अभी ये सीन है, हम लोग करेंगे नाश्ता वाश्ता, और नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे हाइक पे। हाइक पे हम लोगों ने बेसिकली लंगूर और इस टाइप के ये बंदर शंदर, और जो ये साहब को ब्लैक बियर देखने का बहुत शौक हो रहा है, जो कि वो मिलेगा नहीं, तो ये देखने हम लोगों ने निकलना है। इन लोगों का प्रोजेक्ट है बेसिकली, और वो लाजमी स्पॉट करके जाना है, उसकी लाइक पिक्चर्स वगैरह और ये सब चीज़ें लेनी है। मेरी हालत को वैसे इग्नोर करना, थोड़े बैड सीन बने हुए, और यो सीन है। अच्छा तो आप लोगों रूम का गिड़ा कर रहा हूँ, तो ये मैट्रेस वगैरह बचे थे इधर, हमने सोना था, ये सामान चमान पड़ा हुआ है, और इस टाइप का रूम है, लाइक टोटल घर ही बोर्ड का बना हुआ है, और तकरीबन कह रहे हैं को 25 साल हो गए हैं। सामने से एक अंकल आए थे, वो कह रहे हैं वो जो घर पता नहीं नज़र आ रहे हैं नहीं, तो वो कहते हैं को 70 साल हो गए हमारे लकड़ी के घर को बने हुए। और एक सरप्राइज़ ये, जब ये खिड़की खोलो ना तो ये खूबसूरती नज़र आती है यहाँ पे, दूसरी खिड़की खोलूँ अबे खुल जा खिड़की। इधर थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, हाँ दिखाऊँ सीन, चेक करो बाबा जी मज़े आए ना। फिर इसी तरह हम लाइक रात को तो हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि क्या सीन चल रहा है, और अभी उठ के देखा है स्वाद आ गया, असल में स्वाद आ गया। अच्छा जनाब तो नाश्ता आ गया, अंडे शंडे पड़े हुए हैं, ये चिकन पड़ा हुआ है, यार ये भी जो है फ्रेश बना कर लाया। और कल मैंने आप लोगों को खाने का नहीं दिखाया, बंदे ज़्यादा थे और बैठ के लाइक इस तरह दिखाते हुए अच्छा नहीं वो लगता। कितने किस्म के कुछ जो चावल थे यार, 4 किस्म के थे यार, 4 किस्म के चावल थे, यहाँ का लोकल चावल भी था, वो पिंक पिंक सा चावल था, फिर बिरयानी भी थी, फिर उबले चावल भी थे, और पता नहीं क्या। हाँ रेड राइस लिप्पा की स्पेशलिटी है यहाँ पे, वो फील्ड्स भी रेड राइस फील्ड्स भी हैं, तो यहाँ पे होते हैं बड़कमाल के। सही है, जो ये हिसाब से ना इंतज़ार नहीं हो रहा, शुरू हो गया जानवर है ना जानवर। उसके अलावा जो क्या क्या था, कुछ 3 किस्म के चिकन थे, 3-4 किस्म चिकन का सालन था, और उसके अलावा कोफ्ते थे बड़े कच्चे, हाँ, और उसके अलावा क्या था और भी था, और जो वाइट कड़ी, हाँ फ्रेश बीन्स थे, फ्रेश बीन्स थे, और जो वो मीठे में लेकर आए थे ना वो कस्टर्ड गाय के दूध का, ओए होए 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 यार, मलाई मतलब के मलाई मैं क्या बताऊँ, इतने को लेवल का कस्टर्ड का टेस्ट था, वो मज़ा आ गया। और ये भाई हैं, चाय भी आ गई, पराठे भी आ गए, भाई जान बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये भाई थोड़े कैमरा शाये। तो ये सीन है, बाकी लेवल हो गया।
चलो अब हम पेट पूजा करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। अच्छा यार, तो अभी हम सारे तैयार हो गए, बैग पैक हो गया, बैग ले लिया, ये कैमरा बैग, ट्राईपॉड, ये भाई फुल अपने वाइल्ड लाइफ वाले सीन में आ गए हैं, और ये भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं। आपका नाम? मुमताज़ अहमद। और ये जगिया भाई भी तैयार हो गए, तो बस अभी हम निकलेंगे। ये जाना किस साइड पे? बस हम पूरे इलाके में छानबीन कर रहे हैं, जो है ना कंपार्ट 5 है, ऊपर सरिया टॉप इसी के। अच्छा, उधर जाना है, और उधर पे जाना आसान है? यार अब शहरी लोगों का यही बड़ा मसला है, लेकिन मुश्किल है, लेकिन पहुंच जाएंगे। बस ठीक है, इधर ही गले पहुंच जाएंगे। ओ बिल्कुल, उस साइड जाना है? नहीं, इधर जाना है, पीछे। अच्छा पीछे जा रहे हैं, देख रहे ना, सीधा डन्ना चढ़ के खा पीछे पढ़ना पहाड़ नजर आ रहे ना यार, हेलीकॉप्टर आता है ऊपर आता है ऊपर, इधर आर्मी वाले। अच्छा, सही है, चलो फिट है यार, खैर कोई नहीं, पहुंचेंगे, टेंशन नहीं लेनी। हाँ, बाकी ये है कि ये बेसिकली सारे वाइल्ड लाइफ महकमा जंगलात वगैरह से हैं, तो एनओसी वगैरह का इशू थोड़ा सा होता है, लेकिन ये हमारे साथ है तो एनओसी हमारा ले लिया हम लोगों ने, तो वो मसला नहीं है। तो बस निकलते हैं, फिर रास्ते में मैं आपको डिफरेंट शॉट्स वगैरह दिखाता रहूँगा, तो इन्जॉय द वीडियो। हमारी तो यहाँ पे बस हो गई है, काफ़ी देर से चढ़ रहे हैं, तो अभी भाई कहते हैं अभी तो गांव भी क्रॉस नहीं हुआ, अभी तो हाइक आनी है। क्यों जी? अच्छा बड़ी फुहारी पई है जी। हाँ बहुत फुहारी है, साफ सुथरा पानी। वो टॉप पे जाना है, जाना और सीधे बैठे देख रहे हो ना टॉप पे स्काई लाइन के पास, वो हमारा है डेस्टिनेशन, आगे अल्लाह थोड़ा मालिक है। उधर जाके हमने बंदर लबने लबने दस फिफ्टी फिट जहाँ पे। हाँ चिट्टा बंदर। यार ये चेक करो, थोड़ा सा और ऊपर आए हैं हम लोग, और क्या खूबसूरत जगह है यार, पांच बंदे बहुत है यार, क्या खूबसूरत जगह है। पांच सीटें लाई हैं, पांच बोरी आटे की, दो बोरियां सुकून आ जैसे, शायद एक पल्ली रोड पक्की के हो गई बस, ठीक है। ये चश्मा साथ में बह रहे, और वो बंदा लग गया सी फायदा, अब होता तो आपका जैसे बहुत ही बेस्ट है, रोड अच्छी है, अच्छी कसम फुल पत्थर ही पत्थर है, दोनों तरफ से चश्मे बह रहे हैं, इधर भी इधर भी, और वो वहाँ जाना है, और ये पीछे के नज़ारे और बहुत बड़े बड़े हैं यार। मैं तो ये कि बार बार वीडियो बनानी होती है, रुक जाता हूँ, वो फिर मुझे स्पीड मारनी पड़ जाती है। चलो वो थोड़ी खैर हो जाए, मैं समझ रहा था इधर से जाएंगे, ओ उधर से बिल्कुल सीधा रास्ता, उधर से जाना है, उड़ गए यार, लेकिन जो खूबसूरती है ना वर्थ इट है, नज़र जो आ रही है। फुल जाने स्ट्रेट ऊपर, पता नहीं गोप्रो में आपको वो बर्ड उड़ते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक बर्ड मिला है, तो इस बर्ड का क्या नाम था? ये इसको लिटिल फॉक्सटेल बोलते हैं, और हमजा वो बैठी हुई है लिटिल फॉक्सटेल, ये सामने उड़ता हुआ अगर आपको नजर आ रहा है, ये क्या
यार बर्ड जो है ना, दरअसल यहाँ पर बंदे ज़्यादा हैं, इस वजह से बर्ड्स जो है ना बार बार उड़ के दूर दूर जा रहे हैं, करीब नहीं आ रहे। पिक्चर बन गई है, और पिक्चर के अलावा उसका वीडियो क्लिप एक बनाना है हमने, तो वीडियो क्लिप का मसला हो रहा है, वो आ नहीं रहे, वो करीब अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। जो पत्थर है ना इसके पीछे है वो बर्ड, जो ये साहब अपना टॉप रेडी करके बैठे हैं। भाई बता रहे हैं कि अगर वो जो टॉप पे पत्थर नज़र आ रहे हैं, पता नहीं आ रहे हैं या नहीं, खैर वो जो टॉप है उधर तक जो हमने जाना है ना, अगर वहाँ पे हमें लंगूर ना मिले तो फिर हम लोगों ने ये ऊपर से सारा वहाँ से ढूंढते हुए निकलना है। भाई जान ऐसे ही है, अल्लाह करे मिले, अल्लाह करे मिले। भाई दवे ये वाला बर्ड का नाम क्या था जनाब? इसको लिटिल फोकटेल बोलते हैं। ये बर्ड जो है काफ़ी रेयर है, मतलब अच्छा। ना इसके जो पार्ट कज़न बनता है एक तरह से स्पीशी में, इसका जो सब स्पीशी है एक और, इसको स्पॉटेड फोकटेल बोलते हैं, उससे काफ़ी ना नस्बत में रेयर है और काफ़ी ना मतलब स्पेशलिस्ट है, मतलब स्पेशल किस्म के हैबिटेट में पाया जाता है। अच्छा, मतलब किसी बड़े दरिया पे नहीं होता, इसमें छोटी नहरों पे और चश्मों पे होता है वो। सही हो गया। और ये सिर्फ कश्मीर में ही पाए जाते हैं? सिर्फ कश्मीर, मतलब जितना भी पाकिस्तान का जो है ना हमारा नॉर्दर्न एरिया, जहाँ भी ये ब्लू पाइन ट्री है मिसाल के तौर पर, जितना हमारा पाइन फॉरेस्ट है और सेमी पाइन सब पाइन फॉरेस्ट है, उसमें मौजूद होता है। सही हो गया भाई। भाई ने जो बातें की हैं ना सेमी पाइन फॉरेस्ट, ये मैंने वर्ल्ड पाँचवीं क्लास की पार्क स्टडीज में याद किए थे, आप सब भूले गए लेकिन ये भाई बहुत चैंपियन है, इन्हें सब पता है भाई, गुरु है गुरु। ये हमारे आ गए फौजी जवान नीचे से, और मिला है वीडियो, क्या बात है, वीडियो मिल गई है, लव हो गया, बैग में डाल लगा और निकल जाएगा। नाजरी दो हाजरी इधर मेरी तरफ कीजिए, वहाँ से तो क्रॉस करके आ गए, अल्लाह का नाम ले, वो बिल्कुल नीचे से आ रहे हैं, वो ऊपर जाना है भाई, बस वो ऊपर जाना है, बीच में खड़े यार जो भी है ख्वारी है, लेकिन यार वर्थ इट है, मैं बार बार ये ब्लॉग में कह रहा हूँ, मुझे पता है बट वर्थ इट है, वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। ऐसे चश्मे आपको हर जगह मिलेंगे, यहाँ पे साफ सुथरे पानी है, पियो पानी जो मर्जी करो। ओए हाय, खड़ी चढ़ाई आ गई है, फिर उतराई आती है दिल खुश हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो चढ़ाई आती है कानों को हाथ लग जाते, मेरे तो घुटने जोर मारने लगे, सस्पेंशन काम निकाल गई है, क्या बात है, क्या बात है, ये चेक करो ना जी, ये चेक करो, मुझे ज़रा ध्यान ध्यान से पांव रखना पड़ेगा, उसकी वजह ये पत्थरों में लगी हुई है काई, और बंदा स्लिप होके गिरेगा। ट्रक क्या ला रही है जी? बनखोड़ है। हाँ, ये ऊपर पत्थर टूटे हुए हैं, इसका जो बीज होता है बनखोड़ का जो दाना होता है, इसका लंगूर जो होता है बहुत शौकीन होता है, शौक से खाता है। तो ज़्यादा ये खाता है? बहुत ज़्यादा खाता है इसका दाना। तो इसके ऊपर ये पत्ते जो टूटे हुए नज़र आ रहे हैं मेरे हाल में, आप सबको नज़र आ रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लंगूर आया था, और एक दो दिन की बात है, ये पत्ते कोई ज़्यादा सूखे नहीं है, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बड़े दूर आए, वाकई में दिखा दे यार। अच्छा भाई जान, ये देखें आपके सामने ब्लैक बियर का काम है, ये उसने अपने लिए ज़रा डिगिंग करी हुई है, हो सकता है अपने लिए विंटर के लिए अपने लिए खो तैयार कर रहा हो, बरो इसको कहते हैं,
लेकिन ये भी हो सकता है इसने फीडिंग के लिए जड़ी जड़े वगैरह खाने के लिए किया हो। लेकिन चूंकि अब विंटर इज़ अप्रोचिंग, अक्टूबर आ गया है और नवंबर में बर्फ़ पड़ जाएगी, तो बस वो अपनी तैयारी में मगन है। काफ़ी बड़ी जगह वैसे। तो बाबा जी ये वाले पत्थर हैं जिनकी बात कर रहा था, यहाँ नहीं मिले तो अब ऊपर जाना पड़ेगा उस कोने में। और वो यहाँ से हैं वो जगह तो नज़र ही नहीं आ रही ना, बहुत ही नीचे से आए हैं। ऐसी है भाई जान? जी जी बहुत नीचे है उस जगह, वो तो नज़र ही नहीं आ रही। वो बिल्कुल वो दो पहाड़ है ना उसके बिल्कुल परले साइड पे कहीं पे वो जगह, काफ़ी जगह चढ़ी है। हाँ जी सर, यहाँ टॉप बस अल्लाह का नाम लेके चलिए जा रहे हैं पहुँच जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, यहाँ पे शायद से पहले के ना यहाँ देखा गया है आज अभी से हफ्ता एक पहले लंगूर, और ये ऊपर जो दरख्त है उनके पत्ते तोड़े हुए उसने नीचे वाले भी, तो इसकी निशानात यही हैं कि इस एरिया में रहा है हफ्ते ज़्यादा रहा है। तो हमारी किस्मत के हमें आगे मिलता है या नहीं, तो लेट्स सी कितने परसेंट चांस है मिल जाएगा। 50-50 है बाकी अल्लाह मालिक है। 1% भी हो तो हम लेते हैं चांस। हमारा क्या अभी जो है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है नीचे जो नज़र आ रही है ना, ये चढ़ के आए हम लोग, ठीक हो गया। और सीन ये है कि बंदर नहीं मिल रहा भाई, बंदर ने ख्वार कर ही छोड़े। ये हमारा एक बंदर जा रहे हैं, इसको बहुत जल्दी है मार दिला के बंदर ही सीख रहे। यहाँ वाले बंदर बड़े याक के नहीं मिलते, वो परली साइड तो आए हैं चढ़ चढ़ के। और यहाँ पे नज़ारे दिखाने के अलावा कुछ है ही नहीं, क्या बताऊँ मैं, खूबसूरती खूबसूरती है बस। शहरी ज़िंदगी में ना हमारे इतनी कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं रहती, हेल्दी डाइट नहीं रहती, सांस का धुआं फूंक फूंक के बड़ा गर्क हुआ होता है लंग्स का। तो यहाँ के नेटिव हैं वो तो मारखोर की तरह चढ़ी जा रहे हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ा ना उन्हें। हम 5-10 मीटर ऊपर चढ़ते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, ये सीन है। ये जो सामने है ना और ये भी रीच का है, अभी हमने फुल ऊपर जाना है, वहाँ से वो पहाड़ क्रॉस करके उस तरफ जाना है। फिर उधर इस पहाड़ की हम लोग ने लेंस चेंज लगा के रैकी करनी है। ओए चलो जी चलिए। अच्छा जी, तो सीन ये है कि अभी हम लोग पहले वहाँ पे थे उस जगह पे, उस जगह को सारा क्रॉस करके, वो जो पहले पहाड़ दिखाया था वो ये वाला पहाड़ है। हम ये सारी बीच से जगह जो है ना क्रॉस करके आ गए हैं, और अब यहाँ पे हम स्पॉटिंग करेंगे मंकी की प्रॉपर तरीके से रैकी करेंगे। जो ये जी क्या प्लान है यार? हमने 7:30 बजे तकरीबन ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, अभी 12 बजने वाले, तो अभी कोशिश करेंगे इधर प्रॉपर पूरी रैकी करें। जो इलाके हमने उस तरफ साइड पर छोड़े वो वापस अगर हम उस तरफ ना जाए तो ये क्या लेंस से करेंगे, और खाना शाना भी अभी देखेंगे फुल पैक ही है। वैसे खाना शाना तो मेरा पेट फुल है, बात है हमारी थोड़ी ही बात है। सही बात है, अभी ये तो है भी शदाई। हां सही बात है, वाइल्ड लाइफ की शदाई कहते हैं, वाइल्ड लाइफ की शदाई, शदाई मतलब वाइल्ड लाइफ पैशनेट। हां वेरी पैशनेट, तो सेब खा के भाई इतनी दूर को आता है। हां पैशनेट तो वैसे बाकी आखिरकार पहुंच ही गए ऊपर। ओ बिल्कुल उस खाई से पता नहीं नीचे से आया।
अभी ऊपर चश्मा है, वहाँ जाके पानी पियेंगे, हाथ मुँह धोएंगे, थोड़ा सा बीपी लो करेंगे अपना, हार्ट बीट बहुत तेज़ हुई भी है, तो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे लेपर्ड पूप पड़ी हुई है, ये पुरानी है, बहुत चिटी हो गई। चलो वाह यार विडन जैम, खूबसूरत वाह। इधर कौन रहता होगा, वो ये क्या है, वो ये लिजर्ड फेर रही है, ये वो डॉग थी जो कह रहा था है? ये तो चुड़ाया था ड्रोन, ड्रोन ड्रोन चुड़ाया था। मैं प्लेट पकड़ना से बैग है, मड़े जो काट खीरे, खीरे काट। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम लोग खाना शाना, ये कोयले शोले जले में और इस पे खाना शाना गर्म करेंगे, लोग खाएंगे, सारा मिक्सी कर रहे हैं फिट है। इधर की जो देसी खीर है ना वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो मैंने नहीं दिखाए, वो बड़े बड़े स्पेशल खीर हैं वो, इसमें खीरे देखना भी खीरे आएंगे। ये देखो जी, ये खीरा है कश्मीर का, इसका साइज देखो। ये दूसरा वो वाला सही मोटा है, वैसे जिधर के खीरे इतने सेहतमंद होंगे लोग कितने सेहतमंद होंगे वहां। हम लोग लिटरली ना वो पत्थर पे, पुरानी फुटेज में हमने देखे होंगे वो जो गिरे में, वो सारा वहां से ये सब चढ़ चढ़ के चढ़ चढ़ के चढ़ चढ़ के इधर आए, ऐसे ही है वो पूरा यहाँ से आए हैं जालमो, हम वहाँ से निकले उस जगह से निकले, छोटे घर जो नजर आ रहे हैं उधर से निकले थे, और ये वाला पूरा पहाड़ जो है करके आए हैं, और ये अब गोल घूम के यहाँ पे। चलो अब हम किधर जा रहे हैं, अब हम हमारे काफ़ी एरिया है जहाँ पे हो सकते हैं, तो आज आज के लिए वही एरिया विजिट कर रहे हैं, अगर वहाँ मिल गए ठीक है। अभी तक जिस काम के लिए आए थे वो हुआ नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली वीआईपी रास्ते से लेंगे, वीआईपी रास्ते से लेंगे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली ना कल अगर ना मिले ना, आज हम दुआ कर रहे हैं मिल जाए, ताकि हम फिर बाकी इलाके ना घूम घाम लें, अभी तो अभी भी घूम रहे हैं ऐसी जगह के आम बंदा यहाँ पे नहीं आ सकता, आपको क्लियरेंस जब तक ना मिले आप नहीं आ सकते यहाँ पे, ये सीन है सारा। तो फिर हम लोग आए हैं सारी इजाज़त जुजत लेके सब कुछ, और यहाँ पे घूम रहे हैं। खैर चलो अब मैं कैमरा बंद करूँ, आगे फिर चौकी वाला सीन आ रहा है। बस यार पता नहीं बना लो,
पहले सुबह पारले एरिए चढ़ गए कंपार्ट पंज आले एरिए फिर और पिछे गया और गैदरें दर और फिर गा तो मुड़ गया पिछे उचू लंघ पर बाबू जी बैट सीन हो गया, बैट सीन ये हो गया कि स्पॉट टॉप तक आ गए, लाइक आखिरी कोने तक आ गए, इससे आगे पास नहीं है कश्मीर, ठीक हो गया। तो बैट सीन है, नहीं मिला। अब ये है कि अब हम वापस आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू करेंगे घर की तरफ, और फिर अभी तो समझ नहीं आ रही घर कैसे जाएंगे ना, मसला ये है, ख़त्म हो गया बिल्कुल। और फिर कल हम दूसरे वाले एरिए, ये जो ये सामने वाली रेंज आ रही है ना, उसके उधर पे जाएंगे। अच्छा, ये नीचे वाली नहीं, ये तो सारा एरिया छान मार है ना हम लोगों ने। अब हम यहाँ बैठे, ये जो इस जिस पहाड़ पे धूप है ना, इससे पिछला पहाड़ जो नजर आ रहा है उसके ऊपर ना, तो ये सारा थकावट भी काफी एरिया का अच्छा है ना, समझ थकावट भी होगी। ओ यार, अभी हम जब डिसेंड कर रहे थे सामने लंगूर हमें नज़र आ गए हैं, वाइट लंगूर है। वाह जी वाह, मज़े आ गए, मज़े आ गए। चलो जी, कल का दिन बच गया। थोड़ी खैर हो जी, बहुत नीचे उतर आई है, वो नीचे चले। बाबा जी मिल गया, फाइनली मिल गया। किधर है बताओ? वो वो पूरे आप लोगों को जो नीचे सही नहीं बनेगी, नहीं नहीं यहाँ पे ठीक बनेगी, वो सामने ये वीडियो फिट आएगी, मुझे सामने दिख नहीं रहा। हाँ बहुत अच्छी वीडियो आएगी। एक एक है वो दरख्त पे बैठे हैं सामने, सामने ये दरख्त पे बैठे हैं हम, तो तुम बनाओ नीचे जा। कैमरा देखिए वो हमारा तुमने और बात हो, ये पकड़ो एक वो दो बंदे नीचे जा रहे हैं। देखो यार कहा था ना मिल जाएंगे यार, भाग ना जाएं। नहीं नहीं भागें, किधर भागेंगे आप? तो 3-4 घंटे मुझे लगाने पड़े, मैं लगाऊंगा। ओहो हो, ये सामने है बंदर, स्टैंड इधर लगाओ भैया। आ गया बस एक, मुझे वो मिल गया, मैं एक शॉट। ये एरिया नहीं है, ये नहीं नहीं कुछ भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा कभी। जी नहीं नहीं ठीक है, है कोई मसला नहीं। वो सामने ऊपर देखा है? हाँ हाँ, ये उनको जूम कर लो, वो सामने दरख चल रहे हैं, ये नीचे नीचे ये एक मिनट, ये नीचे तो कोई नहीं, एक हाँ ये है ना दरख पे वो बैठे हुए हैं ना, ये है। ओहो ये देखो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है बाबा जी, वरना बैड सीन हो जाना था। बच्चे भी खा रहे हो, ये चेक करो ना, ये 50-60 होगा, ये चेक करो ना, ये देखो ना, ये देखे नजर आया इसमें खा रहे हैं, ये देखो वाह वाह लेवल हो गया जो ये जी। वो सामने वाले ये नीचे वाले ये देखो, ये हाँ ये किधर है, ये नीचे सामने ये चीड़ के दरख्त, ये चीड़ के दरख्त किधर है, ये नीचे, ये हम दरअसल ज़्यादा शोर भी नहीं मचाना, इसकी वजह ये है क्योंकि सामने बंदर भाग जाएंगे। आ गया दरख्त ऊपर बड़ा बहुत बड़ा, हाँ वो बनाइए मेरे, ये सामने बैठा हुआ है, रुको एक मिनट इसकी इस तरह वीडियो बनाता, ये तो इस तरह नजर आएगा,
ये बैठा हुआ दरख्त पे। यस उधर से चला गया, नहीं वो बैठा है। बैठा है सामने ही है। ले ली पिक्चर आग। चलो जी नीचे चले। अब जान में जान आ गई है, लिटरली जान में जान आ गई है, वरना पहले मायूस हो गए थे ना, जान ख़त्म हो गई थी। हम वो सारा पहाड़ जो है ना, ये सारा कुछ करके आए हैं, कवर ऊपर तक गए और ये सामने यहाँ पे हमें मिले। क्या बात है यार, फाइनली लंगूर हमें मिल गए। उसका भी अभी नहीं पता, उसको निकाल लेगी अभी अभी, उसको भेजना। ये ले भाई, और नीचे गए यार। सीन पता है क्या, सीन ये हुआ, मायूस होकर हम लोग जा रहे थे। ये जो पहाड़ है, मैं बार बार बता रहा हूँ लेकिन एक्साइटमेंट इतनी है, मैं क्या करूँ। ये सारा जो पहाड़ नज़र आ रहा है ना, ये सारा छाना है हमने, ठीक है। ये ऊपर था सारा, ये हम लोगों ने छाना है। पीछे वाला जो पहाड़ है वो भी मैंने छाना है सारा, हम सब ने। तो कल हमारा प्लान था कि यार यहाँ नहीं मिला ना, वो परली साइड पर पहाड़ है ना, वो परली के परली साइड, वो जो बिल्कुल ही फॉगी है, उस साइड में हम लोगों ने निकलना था कि मिल जाए। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि ज़बरदस्त सीन हो गया यार, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और फाइनली फाइनली मिल गया हमें, और शॉर्ट चेक करो बस। बाबा जी के तासुरात ने बहुत अच्छी बन गई। अच्छा फिट हो गया। ये इंसानों की शक्ल में नया मारखोर आया है। आजा जो ये यार, अचानक से जान आ गई कसम से यार, मेरी शर्ट तो मुझे ठंड लग रही है। बजान लेवल हो गया। शर्ट किधर, बैग किधर, वो अंदर पड़े हैं सारे।
शाह जी के तासरात ने अभी तो तस्वीरें जाके देखेंगे फिर चास आएगी ना फिर चास आएगी। हाँ जी जोया जी जोया जी क्या था सर रात है जोया खत्म हुआ फिट हो गया। चले जी इनको टाटा बाय बाय करते हैं। अगली वीडियो लाजमी देखना बहुत इंजॉय करोगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बाय द वे लीपा में हम 3 दिन स्टे करें तो आगे बहुत जगह हमने तुम्हें दिखानी है। अगले व्लॉग में आएगा ना भाई सीक्वेंस डे वाइज व्लॉग आएगा। चलो ओके टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को शेयर करो और इसे इंस्टाग्राम भी फॉलो मस्ट है। और बाबा जी और क्या क्या मैं बताऊँ यार चास आ गई है। तो वीडियो शेयर करो लाइक करो तो भाई मचा दो यार इस पे कम अज़ कम 1 मिलियन व्यूज़ तो आने चाहिए। बड़ी मेहनत की है कसम से बड़ी मेहनत की है यार वह की कसम उठा रहे बहुत मेहनत की है। उफ़ चलो यार टाटा पहाड़ियाँ बंदर टाटा।